हेलो हेलो, वेलकम टू लवली किचन। आइए मेरे साथ में सीखते हैं वापस एक सुंदर सी प्यारी सी डिश जो कि बहुत ही हेल्दी है। ग्रीन वेजिटेबल होंगी जिसमें ब्रोकली, रेड शिमला, ग्रीन शिमला और येलो, इसको मैं शिमला ही बोलती हूँ। कैप्सिकम क्या बोलते हैं पता नहीं, आई डोंट नो, बट मैं उनको कलरफुल शिमला बोलती हूँ। तो ब्रोकली, शिमला, ग्रीन, रेड, येलो एंड मक्का, इन तीनों चीजों को धो के ऐसे से हमको रख लेना। लंबे लंबे पीसेस करने हैं और ब्रोकली के भी थोड़े बड़े बड़े पीसेस रखने हैं। और झटपट फटाफट बनती है हेल्दी वाली डिश। इसको चपाती के साथ जरूरत नहीं है, चावल के साथ नहीं, आप सिर्फ बाउल भरिए, सैलेड जैसे उसको खाना है। 5 मिनट में बनती है, बहुत ही सिंपल सी डिश है जो आपको बताने वाली हूँ, आपको मजा आ जाने वाला है। चलिए सीखते हैं उसको कैसे बनाना है। चलिए सीखते हैं हम ब्रोकली, रेड, ये वाली क्या बोलते हैं इसको, रेड वाली शिमला, येलो वाली, ग्रीन वाली, देखिए सब मिक्स है, ठीक है। थोड़ा सा मक्का भी ऐड करूंगी इसमें। ग्रीन चिल्ली ले लेनी कट करके, लहसुन कूट लेना है। ये मेरा देखिए पैन गरम है, इसमें आप नॉनस्टिक पैन लेंगे तो अच्छा रहेगा इसके लिए, बट नॉर्मल कढ़ाई में भी बन सकता है। लेकिन हमको ये सब्जी को करना है लाइक सीजनर जैसे सोटे करते हैं ना वो। ये देखिए 2 चम्मच तेल डाला है, अब मैं इसमें डाल दूंगी अपना लहसुन। बहुत ही अच्छी और हेल्दी वाली सब्जी है ये, आप बिना किसी के साथ भी ऐसे सैलेड जैसे भी खा सकते हैं, मेरी फेवरेट है बहुत ये। तो लहसुन को ब्राउन नहीं करेंगे हम लोग। अब मैं इसमें डाल दूंगी नमक। मेरा प्यारा प्यारा शिमला नमक और ये जो अभी सब सब्जी है हम इसको डाल देंगे डायरेक्ट इसमें, धो के रख लेनी अच्छे से। अब मैं इसमें ऐड करूंगी अपना मक्का भी, देखिए कॉर्न बॉयल नहीं है, कच्चे मक्का है ये, एकदम इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा इसमें और ये हेल्दी डिश बन जाएगी। आप पूरा सैलेड के जैसे इसको खा सकते हैं। इसके साथ में आपको रोटी वोटी की जरूरत नहीं है, बट आपको बनाना है इसको पास में खड़े रखे, थोड़ा गैस तेज रखना है ताकि एकदम ये नीचे से ना सब्जी क्रिस्पी हो जाती थोड़ी सी, जैसे आप सीजलर खाते हो ना, सीजलर का कैसा टेस्ट, अगर आप होटल में सीजलर खाते हैं सीजलर का कैसा टेस्ट आता है, बस इसको आप वो बनाना है आपको। अब मैंने इसमें अपना नमक डाला था, नमक के अलावा मुझे डालना है इसमें सिर्फ ब्लैक पेपर। अब मैं डालूंगी इसमें अपना थोड़ा सा ब्लैक पेपर। थोड़ा सा, ज्यादा नहीं डालेंगे नहीं तो कड़वा हो जाता है। गैस तेज पे रख के पकाएंगे तो आपको ऐसा ना पटपट की सिजलर जैसी आवाज आएगी और बहुत ही जल्दी 5 मिनट में बन जाती है। इसको ज्यादा गलाना नहीं है, नरम नहीं होनी चाहिए सब्जी। अगर आप इसको ढक देंगे ज्यादा देर, अगर आपको ढकना भी है तो ओनली 5 मिनट्स के लिए ढकेंगे। देखिए मैं भी ढकती हूँ, सिर्फ 5 मिनट के लिए ढकूंगी ताकि वो थोड़ा मॉइस्चर इसका जो है ना सब्जी थोड़ी हल्की सी गल जाएगी। वापस गैस तेज पे इसको हम सोटे करेंगे अच्छे से। बहुत ही कलरफुल सुंदर ये सब्जी बनती है। 5 मिनट के बाद इसको मैं वापस ओपन करके गैस तेज करूंगी। मेरी सब्जी 5 मिनट में रेडी झटपट फटाफट। चलिए देखिए मेरी सब्जी एकदम रेडी हो चुकी है। अगर इसको आपको तेल कम लगे ना तो थोड़ा सा ऊपर से और डाल देंगे, क्योंकि सिजलर करना ना इसको तो नीचे चिपकने लगता है, तो उसकी टेंशन नहीं है। थोड़ा सा अगर आपका देखिए नीचे से आपको पैन अगर ऐसा दिखने लग जाता है ना तो नो टेंशन, यही चीज हमको करनी है। सिजलर मतलब उसको थोड़ा सा जलाने वाला फ्लेवर देते हैं, वो इसका मजा आता है। तो हल्का सा देखिए अभी सब्जी मेरी गल चुकी है, इसको नरम नहीं करना है, क्रंची रखना है, आप समझिए ना मेरी बात। अगर आपको कच्ची सब्जियां क्रंच करके खाते हैं तो बस ये वही करना है। ये देखिए आप ब्रोकली को खाएंगे तो आपके मुंह में आनी चाहिए एकदम कड़क। और ये देखिए मेरी एकदम सब्जी मस्त थोड़ी रेडी हो चुकी है, सिर्फ मैंने 5 मिनट के लिए ढका और ये देखिए मस्त वाली मेरी सब्जी रेडी है। अभी आप इसको ढक देंगे तो ये फिर भी नहीं गलेगी, पानी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि मैंने गैस तेज पे इसको हल्का सा गला लिया है, क्रंच एकदम बराबर है। बहुत ही हेल्दी और सुंदर डिश है ये, आपको झटपट बनाना है और खाना है, प्लेट भर के बाउल भर के खाइए, आपका पेट भी भर जाएगा और आपकी हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी।
अब मैं कर देती हूँ इसको प्लेट। आप मानेंगे नहीं, प्लीज सब भाई बहन बच्चे जो भी मेरा वीडियो देखते हैं, ये सिर्फ ओनली 5 मिनट्स के अंदर सब्जी बनी है, बहुत ही हेल्दी है ये। आपको ये बना के खानी है, मैं बहुत बार खाती हूँ, बेटे को खिलाती हूँ। आप इसकी आवाज़ सुन रहे हैं गैस की। अब मैं इसको करती हूँ प्लेट, आपको बहुत ही मजा आने वाला खा के। ये देखिए आजकल देखिए मैं आत्मनिर्भर बन गई, आपको पता है सब काम मैं खुद ही करती हूँ। जैसे कि आप सब लोग बोलते हैं कि आई एम स्ट्रांग, आई एम खुश रहती हूँ, इसके लिए मैं मेहनत करने में भी खुश रहती हूँ। ये देखिए मुझे कोई टेंशन नहीं है कि मेरे अकेले मैं सब काम कर सकती हूँ। ये देखिए मेरी प्लेट रेडी, धुआं निकल रहा है एकदम सुंदर प्यारा सा। चलिए चलिए मेरी प्लेट रेडी है, खुशबू देखिए इतनी प्यारी अरोमा आ रही है कि एक से मन कर रहा है कि फटाफट खा लो। बहुत ही हेल्दी, बहुत ही मजेदार, देखिए कलरफुल सब्जी आपको खानी है। ब्रोकली बहुत हेल्दी है, इससे बहुत कुछ अपनी बॉडी को फायदे मिलते हैं, लेकिन आपको बना के खानी है। 5 मिनट में बनती है, बिल्कुल जल्दी मिलती है, लाइक सैलेड जैसे इसको प्लेट में भरी हो। कोई भी टाइम पे खाइए, मॉर्निंग में खाइए, शाम को खाइए, स्नैक्स के जैसे खाइए और मजे कीजिए, हेल्दी रहिए। और आपको लाइक शेयर कमेंट्स करना नहीं भूलना है, क्योंकि कमेंट्स करेंगे तो मुझे पता लगेगा, शेयर करेंगे तो लोगों को पता लगेगा। ये एक मैंने नई बात सोची आपको समझाने के लिए कि मुझे बताइए कमेंट्स करके, शेयर करके लोगों को बताइए, हेल्दी वाले खाने बनाइए, खाइए, मस्त रहिए, खुश रहिए और नए साल का स्वागत कीजिए बहुत ही प्यार से, बहुत ही मजे से, खुश होके, ताकि कोरोना जी को हो जाए बाय बाय और नया साल खुशियों भरा आए सबके लिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।